हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऐप्स वर्कआउट कि आप अपने ऐप्स को कैसे बनाएंगे। अभी बिगिनर सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने आपका बाइसेप्स, चेस्ट, आपको बैक, मतलब सारे मसल्स बता दिए। तो अगर आपका सिक्स पैक ऐप्स नहीं है तो आप उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, आप उतना सेक्सी नहीं दिखेंगे। तो जितने भी आज के यूथ है उनका एक ही चीज़ रहता है कि हमारे सिक्स पैक ऐप्स हो और अच्छे से डोले हो। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी डिक्लाइन ऐप्स। देखिएगा, आपके जिम में इस तरीके से एडजस्टेबल बेंच होगा, आप ऊपर भी कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे डिक्लाइन। आपके अपर ऐप्स के लिए आपको इस तरीके से पकड़ना है, पैर को फंसा लिया अच्छी तरीके से, लेट गए, आपका हाथ ऐसे रहेगा और आपको टच करना है उस फॉर्म को, या अपने टो को भी टच कर सकते हैं इस तरीके से, नीचे टच, नीचे। और एक बात सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आपका ब्रीदिंग, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका ब्रीदिंग एकदम बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा इस तरीके से। ब्रीदिंग किए, बाहर किए, रिलैक्स लिए, फिर अप, फिर डाउन। जब आप ऊपर आते हैं तो आपको मसल स्क्वीज करना है इस तरीके से, इस तरीके से आप अपने पेट की ताकत को बाहर निकालें। तब क्या होगा, आपके अपर एब्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, फिर देखिए कि आपके एब्स कितना जल्दी विजुअल होते हैं। तो इसका आपका रेप्स रहेगा 8 से 10 और सेट कीजिएगा 3 से 4। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या होगा, आपका स्टमक पेन बहुत ज़्यादा पेन करेगी कल होके, फिर क्या होगा, आप जिम को नेगलेक्ट कर देंगे, फिर जिम जाना भूल जाएंगे। बहुत लोग यही होता है कि ईगो में किसी को दिखाने के चक्कर में, या आप पहला दिन जाते हैं एक्साइटेड होके 10, 12, 15, 20, 30 ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि उस समय आपका पेन एक भी नहीं करेगा, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा पेन करेगा। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि हम ज़्यादा नहीं 8 से 10 और आपका सेट रहेगा 2 से 3, सब मिला कितना हो जाएगा आपका 30। तो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग लोअर एब्स के लिए। इसको ऐसे पकड़ना है अपने हाथ से अच्छी तरीके टाइट से। इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं लेग रेज। बस हवा में इतना ही आके फिर नीचे, बस इतना ही, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। और आपको सोचना है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही जो बिगनर्स होते हैं वही गलती कर देते हैं, करते हैं लेग राइज और सोचते हैं कि मेरा एब्स नहीं आ रहे हैं, मेरा लेग्स कब बनेगा, चेस्ट है, अरे मेरा घर में वो प्रॉब्लम है, ये सब। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, माइंड फोकस, यहाँ सांस ब्लॉक, ब्रीदिंग अप, ब्लॉक, ब्रीदिंग आउट, अप, ब्रीदिंग आउट। आपको इस तरीके से ना, फिर देखिए कि आपके लोअर एब्स में कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इसका भी रेप्स आपका सेम रहेगा 8 से 10 और आपका सेट रहेगा 3 से 4, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट 30 से 35 होना चाहिए। तो तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग साइड एब्स के लिए। तो आपको 2 डंबल पिक करना है, आपका पोजीशन ऐसे होगा, बैंड अप। बहुत लोग क्या करते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगता नाच रहे हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है, अच्छी तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अप, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज अच्छी तरीके से, आपका सांस ब्लॉक, ब्रीद आउट, ब्रीद इन आउट। आपको प्रेशर करना है, यहाँ आपको दबाना अच्छी तरीके से, तब क्या होगा आपके साइड एब्स, मतलब ऑल ओवर एब्स में आपके प्रेशर पड़ेंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि अपना सांस को भूल जाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो आपका माइंड कनेक्शन, आपका ब्रीदिंग कनेक्शन दोनों एक साथ होने चाहिए, तब आपका मसल्स में अच्छी तरीके से प्रेशर पड़ेगा। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम ब्रीदिंग कैसे लेंगे और कैसे नहीं लेंगे, तो अपने जिम के ट्रेनर है, जो भी आपके ट्रेनर है, उनसे पूछिए कि हम सांस को कैसे लें, कैसे छोड़े, वो आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। फिर आपका देखिएगा कि आपका एब्स में, मतलब जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिएगा कि कहाँ प्रेशर पड़ता है और किस तरीके से प्रेशर पड़ता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ से डंबल पिक करते हैं वहीं रखें, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं, जहाँ से डंबल पिक करते हैं बस एक्सरसाइज किए, कोई भी एक्सरसाइज किए, इस तरीके से बस छोड़ दिए और चल दिए। तो ये आपका
सबसे बड़ा गलत हैबिट है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ से डंबल उठाएं वहीं रख दीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज और ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, हम लोग करेंगे प्लैंक। प्लैंक आपके एप्स के लिए, आपके ऑल ओवर स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, आपका स्टमक में कितना स्ट्रेंथ है। तो आप इसका पोजीशन समझिए, जितना आपका चेस्ट है उसके अनुसार अपना पैर फैला लें और एल्बो भी अपने शोल्डर के अनुसार इस तरीके से। आपका हिप ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा डाउन होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, और आपका फेस आगे इस तरीके से। और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके प्लैंक में कि आपका प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब सारा का सारा आपको इसी टाइम सोचना है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे प्लैंक कर रहे हैं सोच रहे हैं मेरा घर में क्या बना है, एग्ज़ाम कब होगा, मेरा बॉडी बनेगा, इतने सोचते हैं। तो बिल्कुल अगर आप ऐसे सोचते हैं तो गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्लैंक एक्सरसाइज में, सिर्फ और सिर्फ आपके एब्स एक्सरसाइज में इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से कम 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड रहना है, फिर देखिएगा कि आपके एप्स में, आपके बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है। अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो एप्स की बहुत सारी एक्सरसाइज बता देंगे, लेकिन आपको एक दिन में एक्साइटेड होके और किसी को दिखाने में बिल्कुल भी ये नहीं करना है। और हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका डाइट, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपके एप्स के, आपके फैट जल्दी नहीं घटेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका डाइट का खेल है। बहुत लोग क्या करते हैं, जिम भी अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाहर जाकर क्या करते हैं, गुपचुप, ढुसका, समोसा, चाउमीन, बर्गर, इस तरीके से जंक फूड खाते, क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपको वो कैलोरी दे रहा है और सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, एनर्जी दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। वो सिर्फ क्या, आपका जंक फूड है, वो आपका बैड फैट है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को अवॉइड करें, फिर देखिए कि आपका फैट ऑटोमेटिक घटने लगेंगे। आपके आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, सभी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही एप्स होते हैं, लेकिन उनका फैट अगर जब तक नहीं हटेगा उनके एप्स जल्दी विजुअल नहीं होंगे। तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हम अपने डाइट, यानी जब हम ऐप्स करेंगे तो हमको कौन कौन सी डाइट लेनी है, जब हम जिम ज्वाइन करेंगे तो हमको कौन कौन सी डाइट लेनी है, आप हमें बता दीजिए। और लो बजट, क्योंकि काफ़ी लोग का मनी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर बताइए कि लो बजट डाइट बताइए जिससे अपना फैट कम करें और आप जल्दी से अपना ऐप्स लाएँ। तो अगर आपको वीडियो लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, आपकी भाई की वीडियो जब एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या हमसे बात करना है तो आइए इंस्टाग्राम पे रवि राज रंजन 018 हमारा यूजर नेम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नए यूजर है, जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRR फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका भाई का यूट्यूब चैनल है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।